हम सभी सृष्टि में हैं तो हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं। अगर हमारी बहन है, हमारी माँ है, तो हमारा सृष्टि में वजूद है। तो जाहिर सी चीज ये है कि इससे अच्छा सम्मान हम अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बेटियों का नहीं कर सकते। और हमें, चूंकि बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई कि किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, तो आप सभी के द्वारा ये बात बताई गई, संज्ञान में लाई गई और बात में इस बात पर निर्णय हुआ कि भारतीय साहित्य में महिला साहित्यकारों का योगदान, इस विषय पर चर्चा आयोजित की जानी चाहिए। मैं विजयानी फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त, विजयानी फाउंडेशन का छोटा सा कार्यकर्ता, और आदरणीय रीता पात्रा जी इस विजयानी फाउंडेशन की कर्ता धर्ता अध्यक्षा, और हम सबको एक साथ चेहरे से चेहरे को रूबरू कराने वाली आदरणीय रीता पात्रा जी। ये समारोह इसलिए विशेष खास है कि इस समारोह में एक कॉल पर हमारे प्रिय, हमारे आदरणीय, हमारे अपने डॉक्टर संजीव जी ने एक कॉल पर हामी भर दी कि मैं आऊंगा। इससे ज़्यादा स्वभाव की हमारे पास कोई बात नहीं हो सकती। उसी सिलसिले में जब हमने बात की आसाम से पधारी हमारी बहन निशा नंदिनी जी से, तो उन्होंने भी वही उत्तर दोहराया कि भैया मैं कार्यक्रम में अवश्य पहुंचूंगी, हालांकि मुझे पुनः बाद में वापस 18 को दिल्ली आना पड़ेगा, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में अवश्य पहुंचूंगी। यही सारी चीज़ें दीपक जी के साथ हुई, कुसुम श्रीवास्तव जी के साथ हुई, आदरणीय देवेंद्र माझी जी के साथ हुई। हमें किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी कोई व्यस्तता है। जाहिर सी चीज़ है कि ये जो शख्सियत हैं जिनके नाम मैं गिना रहा हूँ, या आप सभी माँ का कितना सम्मान करते हैं और महिला साहित्यकारों का कितना सम्मान करते हैं, कि किसी ने हमें ये नहीं कहा कि हमारी व्यस्तता है, हम नहीं आ पाएंगे। और विजयानी फाउंडेशन का बड़ा सीधा सा एक सोच है, एक मिशन है। चूँकि आदरणीय रीता पात्रा जी मूल रूप से उड़ीसा प्रांत की हैं, लेकिन जब हम सभी इनसे मिले तो हमने कहा कि उड़ीसा में भारत नहीं है, भारत में उड़ीसा है। आपको उड़िया भाषा से और हमारे उड़िया समाज के साथ साथ मिलकर सारे भारत के लिए काम करना चाहिए। और एक बात मैंने इनसे कही, मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूँ आप सभी की इजाजत से, अगर पूजनीय महात्मा गांधी जी, अगर महात्मा गांधी हैं तो केवल हिंदी की वजह से महात्मा गांधी हैं। अगर वो अपनी मूल भाषा गुजराती को बोलते तो जैसा नेतृत्व उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में किया, तो शायद वैसा नेतृत्व नहीं कर पाते, क्योंकि गुजराती जानने वाले हमारे बहुत कम लोग हैं। वही स्थिति आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। अगर वो अपनी मूल भाषा गुजराती को रखते तो पूरे भारत में जिस तरह से उनको सुना जाता है या उनको समझा जाता है, तो शायद वो स्थिति, शायद मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर नहीं होती। उन्होंने हिंदी को अपनाया और हिंदी वालों के साथ चले, तो तब वो सारे राष्ट्र पर अपनी वाक्पटुता से, अपनी भाषा शैली से हम सभी के दिलों और दिमाग पर छा गए। तो उसी प्रयास का, छोटा सा प्रयास विजयानी फाउंडेशन का, हम सभी के साथ, हमारे उड़िया समाज के साथ साथ जो भारत में पूरा और समाज है उसके साथ साथ हमारी सोच, हमारा कथन। चूंकि समारोह का एक छोटा सा समय हमें मिला, तो उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करते, मैं सीधी सीधी अपनी मूल बात पर आ रहा हूँ कि आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर संजीव पाठ जोशी जी हमारे बीच मौजूद हैं। क्षमा करें पाठ जोशी जी, मैं माफ़ी मांगूंगा कि मुझसे थोड़ा सा शब्द में बोलने में गलती हो गई। आप हमारे बीच मौजूद हैं, आप, मैं क्षमा चाह रहा हूँ उस बात के लिए कि मुझसे बोलने में थोड़ी सी भूल हुई। आप हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं, आप
आईपीएस अधिकारी हैं और डीजी लेवल के सीनियर अधिकारी हैं, और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस स्तर पर इस व्यस्तता के बावजूद आपने हमें समय दिया। हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आदरणीय गीता पात्रा जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप हमारे समारोह के विशेष अतिथि मुख्य अतिथि आदरणीय संजीव जी को लेकर मंच तक लेकर आए। गीता पात्रा जी, आदरणीय निशा नंदिनी जी, मेरी बहन, मेरे एक बुलावे पर, एक कॉल पर अपनी समस्त व्यवस्थाओं को छोड़कर हम सबके बीच, और आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है कि आसाम में जहां असमी भाषा का बोलबाला है वहां हिंदी के लिए काम करना, और हमारी एक संस्था है इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल, आपके आप मार्गदर्शक हैं, आपके मार्गदर्शन में वो संस्था पूरे भारत और भारत के बाहर काम कर रही है। मैं आपका स्वागत करता हूँ विशेष अतिथि के रूप में, आप मंच पर आए, आप अपना स्थान कर करें। आदरणीय निशा नंदिनी जी, हमारे हमारे आदरणीय देवेंद्र माझी जी, भारत सरकार के अम्बेडकर फाउंडेशन के डायरेक्टर, बहुत सरल, बहुत सहज। स्पष्ट रूप से आपके बारे में एक बात कह दूं जो आपके द्वारा कही गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं दो राज्यों से बराबर रिश्तेदारी रखता हूं, बिहार से, मुल्लू से और उड़ीसा से भी। मेरा से आप अपने कथन को समझ गए होंगे आदरणीय देवेंद्र मांझी जी, समाज सेवक हमारे अपने, आप आए मंच पर स्थान ग्रहण करें। आमिया प्रधान जी, आदर्श शिक्षिका, मेरी बहन, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत बेहतरीन लेखिका आदरणीय कुसुम श्रीवास्तव जी हमारे बीच मौजूद हैं। आदरणीय कुसुम श्रीवास्तव जी मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। काजल जी ऊपर की तरफ आ जाए। साथियों, समारोह की औपचारिक शुरुआत स्वागत के रूप में मैं विजयानी फाउंडेशन की अध्यक्ष आदरणीय रीता जी से अनुरोध करूंगा और काजल चौबे जी से भी अनुरोध करूंगा कि उनका सहयोग करें, और हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय संजीव जी का फूल देकर स्वागत करें, तो सुकुश जी का स्वागत करें। पहले हमारा जगन्नाथ जी को हम पूजा करें। मैं दरअसल हमारे यहाँ थोड़ी सी वैसी परंपरा है, तो मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहूँगा कि एक बार आप सभी मुख्य हमारे विशेष अतिथियों से अनुरोध है कि हमारी उसी परंपरा के साथ, उसी वैभव परंपरा के साथ, उसी ट्रेडिशन परंपरा के साथ हमारे पूज्य भगवान जगन्नाथ जी का माल्यार्पण करके पुष्प वर्षा से और दीप जलाकर स्वागत करें। आप सभी आदरणीय संजीव जी, आदरणीय मानस रंजन जी, मेरी बहन निशा नंदिनी जी, कुसुम श्रीवास्तव जी, आदरणीय देवेंद्र माझी जी और
मैं चाहूंगा रीता दीदी, रीता जी उनका सहयोग करें, काजल जी आप ही उनका सहयोग करें जी। ऐसा ना करो यार, सामने आ गए बड़ा है सर। स्वागत समारोह की औपचारिक शुरुआत हमारे समारोह के मुख्य अतिथि माननीय आदरणीय श्री संजीव जी, डॉक्टर संजीव जी के स्वागत के लिए मैं हमारी संस्था की अध्यक्ष आदरणीय रीता पात्रा जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो पुष्पगुच्छ देकर आदरणीय संजीव जी का सम्मान करें, आदरणीय संजीव जी का स्वागत करें। आदरणीय निशानंद जी के स्वागत के लिए मैं वरिष्ठ लेख का आदरणीय बबी जी को बुलाना चाहूँगा कि आदरणीय बबी जी आएं और मेरी बहन निशानंद जी का फूल देकर स्वागत करें। साथियों तालियों में थोड़ी कंजूसी ना हो। जी फोटोग्राफ के साथ रहे अनुरोध के साथ, ये अध्यक्ष का बनता है किसी भी संस्थान के अध्यक्ष का। अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे अपने आदरणीय देवेंद्र माझी के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए, पुष्प के लिए मैं चाहूंगा कि आशीष श्रीवास्तव जी आए और आप कुछ कुछ भेंट करें मेरे प्रिय आशीष जी। और संभवतः उड़ीसा का लगभग समाज आशीष जी को जानता है। आदरणीय मानस रंजन महापात्रा जी के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए हमारे वरिष्ठ साथी वरिष्ठ लेखक प्रेम सागर प्रेम जी को आमंत्रित करूंगा। आप आए और
आदरणीय मानस रंजन जी को, आदरणीय मानस रंजन महापात्रा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर आदरणीय बीता जी आपसे अनुरोध कि आप साथ रहें। आदरणीय अमिया प्रधान जी के सम्मान के लिए, स्वागत के लिए मैं चाहूंगा कि आदरणीय श्रीमंत जी हमारे बीच आए और हमारे अपने आदरणीय अमिया जी का, अमिया प्रधान जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। हमारे समारोह की महत्वपूर्ण कड़ी आदरणीय काजल चौबे जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आए और मेरी बहन कुसुम श्रीवास्तव जी का फूल देकर सम्मान करें, फूल को समेट करें। साथियों, संस्था का काम करना कितना महत्वपूर्ण और कितना मुश्किल होता है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय रीता पात्रा जी भी अपना स्थान ग्रहण कर लें, मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें और उनके सम्मान के लिए, उनको पुष्प भेंट करने के लिए मैं आदरणीय दीक्षा पिलानी जी को आमंत्रित कर रहा हूं और उनके साथ में जो सहयोगी ग्रुप में है, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ आपका, मैं आपसे आदरणीय सरता जी प्लीज, आप लोगों के बिना, इन स्तंभों के बिना कोई चीज बड़ी मुश्किल होती है। आपका स्वागत है, प्लीज आप मंच पर आए और क्योंकि जब तक आप लोग साथ नहीं आओगे तो कोई भी काम नहीं हो सकता। बड़ी सहयोग की बात है और सहयोग से ही सारी चीजें चल पाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। और मैं चाहूंगा कि आदरणीय रीता जी भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। क्या नाम है उनका? संदीप। संदीप सर थोड़ा सा डिस्टेंस, ठीक है। साथियों, समय अपनी गति से बढ़ रहा है, हम समय को कैद नहीं कर सकते और निश्चित समय में जो हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा है, भारतीय साहित्य में महिला साहित्यकारों का योगदान, हम मंच पर आसीन अपने विद्वत लोगों से, विद्वान लोगों से और समस्त भारत से जो हमारे बुद्धिजीवी लोग जो पधारे हुए हैं उनसे उस बारे में एक संक्षिप्त वक्तव्य सुनेंगे। उसके बाद जो हमारी सम्मान समारोह की जो भूमिका है उसका निर्भर भी हमें इसी समय में, निर्धारित समय सीमा में करना है। तो साथियों, मैं चाहूंगा, बड़ा मुश्किल सा होता है कि पहला नाम किसका लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सभी वरिष्ठ हैं, अभी सभी श्रेष्ठ हैं, तो मेरे लिए मुश्किल सी चीज ये है कि मैं किस क्रम में किसको रखूं। लेकिन चूंकि महिलाओं के ऊपर कार्यक्रम है, मेरी माओ के ऊपर कार्यक्रम है, बहन के ऊपर कार्यक्रम है, बेटियों के लिए कार्यक्रम है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के रूप में आकाशवाणी दिल्ली में कार्यरत मेरी बहन उमा शर्मा जी से सरस्वती वंदना के रूप में करके उसके बाद हम इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे की तरफ करेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूं अपनी बहन उमा शर्मा जी से, वो आए
उमा शर्मा जी। मंच को प्रणाम करती हूँ। माता सरस्वती शारदा, ओ माता सरस्वती शारदा।